जब एक फौजी बना, एक अनजान लड़की के लिए भगवान शिवजी ने दिखाया अपना खास चमत्कार। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। भगवान शिव जी ने किसी न किसी तरह से धरती पर अपना चमत्कार भक्तों को दिखाया है। ऐसी एक सच्ची घटना जबलपुर जिले के एक गांव में घटित हुई, जिसके बाद से ही वहां के लोगों में शिव जी को लेकर काफी विश्वास जागृत हो गया। यह पूरा मामला कुछ इस तरह का है। जबलपुर गांव की रहने वाली सीमा एक निर्धन घर से थी। उसके पिता भी मजदूर थे और माँ दूसरों के घर में काम करने जाती थी। जब सीमा 7 साल की थी, तब उसके पिताजी एक बिल्डिंग बना रहे थे, जिसके 6 फ्लोर से वह अचानक गिरकर मर गए। यह सदमा माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी कुछ महीनों में बीमारी से ग्रस्त होकर मौत के मुंह में चली गई। ये सब सीमा के साथ इतनी कम उम्र में हुआ कि वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। उसका भी रो रोकर बुरा हाल था। वो पास के मंदिर में जाकर बैठकर शिव जी की मूर्ति के आगे बहुत ही बुरी तरह से रोने लगी। सीमा का इस दुनिया में अब कोई नहीं था। रिश्तेदार उनकी गरीबी के चलते उनसे मतलब नहीं रखते थे, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर सीमा के माता पिता का अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब सीमा के पास रहने को घर भी नहीं था। वो अपने माता पिता के साथ किराए के मकान में रहती थी। सीमा ने मंदिर के पुजारी से बात करके कहा कि पुजारी जी, मैं मंदिर के अंदर रह सकती हूँ क्या? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे यहाँ कुछ समय तक रहने की अनुमति दीजिए। इतने में ही गाँव के कुछ लोग सीमा के पास आए और बोले, बेटा तुझे जितने दिन रहना है तो हमारे पास रह ले। लेकिन सीमा आत्मसम्मान वाली लड़की बचपन से ही थी, इसीलिए उसने उन लोगों के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब मैं शिवजी की बेटी हूँ, मेरा ख्याल अब यही रखेंगे। अधिक बार बोलने पर भी सीमा का जवाब सिर्फ ना ही था। ये देखकर पुजारी ने ही सीमा को मंदिर में रहने की अनुमति दे दी। अब खाना बनाने के लिए सीमा के पास कुछ नहीं था। फिर उसने मंदिर के पास के ही ईंटों में एक चूल्हा बनाया और अपने घर का कुछ सामान लेकर मंदिर के अंदर रख दिया। पूरी रात सीमा शिवजी भगवान की मूर्ति से गले लगकर रोई और कहा कि हे भोलेनाथ, अब आप हमेशा मेरे साथ रहना। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आप हमेशा मेरे साथ ही रहना। ऐसे बोलते बोलते सीमा की आंख लग गई। सीमा के लिए अगली सुबह कुछ नए बदलाव लाने वाली थी। सुबह सुबह पानी भरकर सीमा ने स्नान किया और अच्छे से पूरे मंदिर की सफाई की और तेज तेज आरती गाने लगी। ये देखकर सभी गांव वाले एकत्रित हुए और आरती में शामिल हो गए। फिर सीमा ने प्रसाद बनाकर भोलेनाथ जी को भोग लगाया और गांव वासियों को बांट दिया। ये सब करने के बाद सीमा काम की तलाश में भटकने लगी। काफी दिनों बाद एक शहर में एक फौजी का परिवार वहां रहने आया और सीमा से गाँव के सरपंच का पता मांगने लगा। सीमा उन्हें अपने साथ लेकर गई और सरपंच का घर दिखाया। इसी बीच फौजी के परिवार के बच्चे उसके साथ खेलने की जिद करने लगे, तो सीमा उनके साथ खेलने लग गई। वहीं जब फौजी और उसका परिवार सरपंच के घर से वापस जाने को तैयार हुआ, तो सरपंच ने सीमा को आवाज लगाई और कहा कि फौजी साहब, ये लड़की बिल्कुल अकेली है, सिर्फ शिवजी की पूजा करती है। तब फौजी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे माता पिता को क्या हुआ? उसने बोला कि मेरे माता पिता एकदम सही है। ये सुनकर सरपंच हैरान रह गया। फौजी ने कहा कि सरपंच तो कुछ और ही कह रहे हैं। तब फौजी का हाथ पकड़कर सीमा उन्हें शिवजी के मंदिर में लाई और कहा कि यही है मेरे माता पिता, यही है मेरे लिए सब कुछ। ये सब देखकर फौजी के परिवार की आंखें नम हो गई और फौजी की मां ने कहा, बेटा अब तो हमारे साथ रहेगी। लेकिन सीमा ने मना कर दिया, कहा मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे कुछ काम दे दो ताकि मैं अपना और अपने माता पिता का पेट भर सकूं। तभी फौजी की पत्नी ने कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ पर काम करोगी, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिलेंगे। ये सुनकर सीमा की आंखें खुशी से भर आई, उसने सभी का धन्यवाद किया। वहीं सरपंच ने फौजी साहब का धन्यवाद करके कहा कि आप लोग सच में अच्छे हैं। अगले दिन जब सीमा काम पर गई, उसने सारा काम अच्छे से समझ कर किया। रोजाना सीमा जल्दी उठकर मंदिर की साफ सफाई करती और शिवजी की पूजा करती। एक दिन जब वह फौजी के घर पर काम कर रही थी, तब उनके बच्चे गार्डन में पढ़ाई कर रहे थे। उनको देखकर सीमा में भी पढ़ाई की इच्छा जागी, लेकिन उसने किसी से भी ये नहीं कहा। वह रोजाना उनको पढ़ते देखकर कुछ ना कुछ सीखने लगी। एक दिन वह छुपकर गार्डन में फौजी के बच्चों की किताबें पढ़ने की कोशिश करने लगी। इतने में फौजी वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि सीमा पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। फिर फौजी ने अपने परिवार वालों को ये दिखाया। तब फौजी की माँ सीमा के पास आई और बोली, बेटा तू पढ़ना चाहती है? उसने कहा, नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही देख रही थी, इसमें सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं,
फिर फौजी ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सीमा जोर जोर से रोने लगी। फिर फौजी की पत्नी ने कहा कि आज से सीमा भी हमारे बच्चों के साथ स्कूल जाएगी और पढ़ाई करेगी। फौजी ने सीमा का एडमिशन करवाकर उसे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया। अब सीमा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वो रोज सुबह उठकर शिवजी की पूजा करती, फिर फौजी के घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और वहां से आकर फौजी के घर का काम करती। काफी साल सीमा ने ऐसे ही बिता दिए। अब फौजी का परिवार वहां से जाने लगा तो सीमा भी बड़ी हो गई। ऐसे में पुजारी ने फौजी साहब से बात की, अब सीमा बड़ी हो गई है, इस तरह मंदिर में रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं। ये सुनकर फौजी को सीमा की चिंता होने लगी। उन्होंने उसको अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव रखा। सभी गांव वासियों और सरपंचों को बुलाकर अपने परिवार के आगे फौजी ने ये बात रखी। लेकिन इस बात से सीमा खुश नहीं थी, वो शिवजी भगवान के साथ ही रहना चाहती थी। फिर सरपंच ने कहा, यदि तुम भगवान शिव के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सीमा ने कहा, मैं समझी नहीं। सरपंच ने कहा कि इस मंदिर में तुम शिवजी की मूर्ति को अपने साथ शहर लेकर जाओ, वहां किसी भी जगह इस मंदिर की स्थापना कर देना। ये सुनकर सीमा को अच्छा तो लगा, लेकिन गांव का लगाव कहीं ना कहीं उसके मन को विचलित कर रहा था। लेकिन फौजी साहब ने उसको इतने आगे बढ़ाया तो इस बात का मान रखने के लिए वह शहर चली गई और उनके घर के पास एक खाली जगह पर उसने मंदिर की स्थापना की। वो खाली प्लॉट फौजी का ही था। अब सीमा नौकरी की तलाश करने लगी। पढ़ाई पूरी हो गई, सरकारी नौकरी की तलाश में जुटी सीमा का नंबर एक दिन पुलिस में आ गया, जहां उसको ऊंची रैंक पर रखा गया। इतना ही नहीं, सीमा ने कुछ साल तक पैसा जोड़कर फौजी का प्लॉट खरीदने का प्रस्ताव रखा। लेकिन किसी को भी यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। वह बोलने लगे कि अगर तुम मंदिर बनवाना चाहती हो तो हम इसके पैसे तुमसे नहीं लेंगे, तुम इन पैसों से मंदिर का काम शुरू करवा दो। ये सुनकर सीमा खुश हुई और बोली कि फौजी साहब, आप मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए हैं, मेरी हर परेशानी का हल आप इतनी आसानी से निकाल देते हो। आज वहां शिवजी भगवान का मंदिर बना हुआ है और लोगों का ऐसा मानना हो गया है दोस्तों कि वहां सीमा की तरह हर किसी की मुराद पूरी होती है। सीमा पुलिस में अच्छी रैंक पर होने के बावजूद भी सबसे पहले मंदिर की साफ सफाई करके पूजा अर्चना करके ही अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करती है। आज सीमा जो कुछ भी है सिर्फ शिवजी भगवान की बदौलत है। अगर वह फौजी साहब को वहां नहीं भेजते तो वह आज भी परेशान रहती। वो रोजाना सुबह शाम शिवजी भगवान का धन्यवाद करती है। सीमा की इस तरक्की को देखकर फौजी और उसका परिवार काफी गर्व महसूस करता है। वो भी शिवजी भगवान का तहे दिल से धन्यवाद करती है और पूजा अर्चना भी करती है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।